हेलो एवरीवन, अमरनाथ यात्रा डे 3। सुबह 5 बजे हम पहलगाम से चंदनबाड़ी के लिए चल दिए और 6 बजे के करीब हम चंदनबाड़ी पहुंच गए। रास्ते में काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिले। उसके बाद हमने लाठी खरीदी वहां जाकर, जो कि यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर चेकिंग गेट से बाहर आकर हमारी पैदल यात्रा आरम्भ हुई। चलते चलते पिस्सू घाटी आ गई थी, जहाँ का नज़ारा देखने लायक था, मानो प्रकृति का एक नया रूप देखने को मिला हो। हम बाबा भोले का नाम लिए चलते जा रहे थे। हमें शाम तक शेषनाग झील पे पहुंचना था। यात्रियों के लिए बेस कैंप शेषनाग झील पर ही बनाया गया है। रास्ते में काफ़ी जगह भंडारे लगे हुए थे और साथ ही रास्ते में बहते झरनों को देख और आनंद आ रहा था। हमने काफ़ी जगह झरनों का पानी पिया, जिसका स्वाद आपको किसी भी आरओ के पानी में नहीं मिलेगा। काफ़ी जगह हमने फोटोशूट भी किया। हर जगह पे ITBP के जवान हमारी सुरक्षा में खड़े हुए थे, जिनके लिए उनको सल्यूट है। हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद 10 मिनट के लिए आराम भी किया, जो कि यात्रा के लिए ज़रूरी है। शाम 5 बजे के आसपास हमने दूर से शेषनाग झील देखी, जिसे देख मन खुश हो गया। ये पर्वतमालाओं के बीच में नीले पानी की झील है। शेषनाग झील में शेषनाग का वास है और कहते हैं 24 घंटों में एक बार शेषनाग झील के बाहर आकर दर्शन देते हैं, लेकिन ये दर्शन खुश नसीबों को ही नसीब होते हैं। रास्ते में मुझे थोड़ी ऑक्सीजन की कमी लगी। फिर शेषनाग कैंप में जाने के बाद मैंने अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करवाया तो पता चला मेरा ऑक्सीजन लेवल 63 रह गया है, जो कि कम था। फिर मुझे ऑक्सीजन दी गई, उसके बाद मुझे थोड़ा आराम मिला। यात्रा के दौरान काफ़ी जगह मेडिकल कैंप बनाए गए थे, जो बिल्कुल निशुल्क थे और भारतीय सेना के डॉक्टर इलाज के लिए वहां मौजूद थे। हम शाम 6 बजे शेषनाग बेस कैंप पहुंच गए। शाम हो गई थी और वहां बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चलने लगी, फिर हल्की बारिश भी हुई। वहाँ हमने टेंट बुक किया, जो कि 300 रुपये पर पर्सन था। वहाँ जाकर हमने आराम किया और अगले दिन हम वहाँ से सुबह 6 बजे पंच ताड़ने के लिए चल दिए। ये था मेरी अमरनाथ यात्रा डे 3 का सफ़र, और डे 4 में मैं आपको अपनी आगे की जर्नी के बारे में बताऊँगा। हर हर महादेव।